बायोलॉजी के आज का आपका टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीनिंग बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर ए है, ए मीन्स एब्सेंट। सेक्सुअल, सेक्सुअल मीन्स मियोसिस एंड गैमेट फ्यूजन, मियोसिस एंड गैमेट फ्यूजन। इन दिस मेथड मियोसिस एंड गैमेट फ्यूजन आर अब्सेंट। कौन से मेथड में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है उसमें क्या होगा, मियोसिस एंड गैमेट फ्यूजन अब्सेंट होगा। यानी यहाँ पर गैमेट फ्यूजन यानी गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? मियोसिस भी नहीं होगा तो ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाए, डेफिनेशन हो जाएगी द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म्ड विदाउट म्यूसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, ये ऑफ स्प्रिंग्स आइडेंटिकली कैसी होती है, एज ए पेरेंट सेल। कैसी होगी? पेरेंट सेल की आइडेंटिकली होगी क्या ऑफ स्प्रिंग? क्यों होगी? क्योंकि यहां पर सिंगल पेरेंट क्या करता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। न्यू ऑफ स्प्रिंग मतलब डॉटर सेल्स, न्यू ऑफ स्प्रिंग मीन्स डॉटर सेल्स। तो यहां पर सिंगल पेरेंट न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन यानी इट मीन्स डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस मेथड को अपन क्या कह सकते हैं, दिस मेथड आल्सो कॉल्ड कलोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो कॉल्ड कलोन बिकॉज देयर न्यू ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकली एज ए पेरेंट सेल, सो कॉल्ड दिस मेथड कलोन। और एपोमिक्सिस, इस मेथड को अदर नाम क्या दे सकते हैं, एपोमिक्सिस। ए मीन्स अब्सेंट, मिक्सिस मतलब गैमेट फ्यूजन एंड मियोसिस। इसको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसका मीनिंग भी यही होता है कि गैमेट फ्यूजन एंड मियोसिस अब्सेंट इन दिस मेथड सो कॉल्ड एपोमिक्सिस। एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो म्यूसिस एंड गैमेट फ्यूजन एंड फॉर्मेशन अब्सेंट, सो एपोमिक्सिस कलोन आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करें पहले उसमें ये बात बता देते हैं आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली किन सेल्स में या इन विच ऑर्गेनिज्म आर कंप्लीटेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो विच टाइप ऑफ एनिमल्स में कंप्लीट होता है, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स, ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। सिंपल प्लांट्स एंड सिंपल एनिमल्स,
ये थ्री कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स के, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स मोस्टली अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सिंगल सेल्स एनिमल है। इन सिंगल सेल्ड एनिमल्स में ऑलवेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंप्लीट होता है। सिंपल प्लांट्स एल्गी, लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, ठीक है। सिंपल एनिमल्स हाइड्रा, स्पंज, यानी जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल किस टाइप का हो, सेलुलर, टिश्यू लेवल, यानी जिनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम अब्सेंट हो, वो सारे किस में कम, वो आल किस में इंक्लूड होंगे, सिंपल सेल्स एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं। किस में इंक्लूड होते हैं? सिंपल सेल्स एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं। तो जितने भी आल्ज जो, यानी सिंपल एनिमल्स कौन से होंगे जिनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम अब्सेंट होगा, वो सारे किस में इंक्लूड, सिंपल एनिमल्स, एग्जांपल हाइड्रा, स्पंज, यानी इनमें क्या होता है, सेलुलर और टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रजेंस होगा, वो सिंपल होंगी, उनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसके अलावा सिंपल प्लांट्स एल्गी है, लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स है, ये कैसे होते हैं, सिंपल प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर भी क्या होगा, बॉडी, इनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, और एक आप यीस्ट जो कि कैसा है, फंजाई है, ये भी सिंगल सेल्स है। आल फंजाई तो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, बट ये इसका क्या एक्सेप्शन है, यीस्ट यूनिसेलुलर, ये इसका एक्सेप्शन है। आल फंजाई तो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, बट यीस्ट क्या है, सिंगल सेल्स यानी यूनिसेलुलर है। तो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं अपन, तो सिंगल सेल्स सिंपल प्लांट्स एंड सिंपल एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन कौन से एनिमल्स में, इन विच एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंप्लीटेड, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स, सिंपल प्लांट्स एंड सिंपल एनिमल्स, ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट मेथड है इसका फिजन। फिजन मीन्स होता है ब्रेकडाउन, ये नॉर्मल अगर इसका मीनिंग देखें तो फिजन का अर्थ होता है, मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। इट मीन्स एनी सेल्स डिवाइड्स इन टू इक्वल सेल्स, टू और मोर देन टू सेल्स डिवाइडेड बाय माइटोसिस डिवीजन कॉल्ड फिजन। यानी फिजन में क्या होगा कि जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल्स माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, अपन पहले क्लियर कर चुके हैं कि जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें माइटोसिस, बिकॉज अपन पहले बात की कि मियोसिस एंड गैमेट फ्यूजन अब्सेंट होगा इस एसेक्सुअल में, ओनली माइटोसिस डिवीजन। तो पेरेंट सेल्स माइटोसिस डिवीजन के थ्रू टू और मोर देन टू डॉटर सेल, और डॉटर सेल भी कैसी, इक्वल, आइडेंटिकल,
में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेथड क्या कहलाएगी? फ्यूजन कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इन दिस प्रोसेस पेरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू इक्वल डॉट और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बाय माइटोसिस डिवीजन कॉल्ड फ्यूजन। अब फ्यूजन के भी टाइप्स हैं, इसको भी टू टाइप्स में डिवाइडेड से किया गया। कितने टाइप्स में? टू टाइप्स में। फर्स्ट है इसका बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मीन्स क्या होता है? टू। इन दिस मेथड पेरेंट सेल्स बाय माइटोसिस डिवीजन डिवाइड टू इक्वल डॉटर सेल, टू इक्वल डॉटर सेल्स। इन दिस मेथड में क्या होगा कि बाइनरी, यहां पर बाइनरी मीन्स क्या होता है? टू। फ्यूजन का मतलब क्या बताया था? ब्रेकडाउन। तो यहां पर पेरेंट सेल है वो ओनली टू इक्वल डॉटर सेल में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या होगी? डिवाइड होगी। तो ये मेथड क्या कहलाएगी? बाइनरी फ्यूजन। और ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन का? याद रखना है अमीबा है इसका एग्जांपल। इसको अपन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अमीबा में आप देख रहे हैं ये पेरेंट सेल है अमीबा के। इस पेरेंट सेल के न्यूक्लियस और पेरेंट सेल बहुत ग्रोथ करती है बाय न्यूट्रिशन लेकर के। ग्रोथ करने पर बाद में ये क्या करता? कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कंट्रोल नहीं से माइटोसिस डिवीजन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय माइटोसिस डिवीजन इन इक्वल टू न्यूक्लियस। After its cytoplasm also divides in two parts and form two daughter amoeba cells. तो यहाँ पर daughter cells का formation, ये daughter cells है equal बनी है जो कि किसके equal है? parent cells। और अपन ने पहले भी बात की थी कि जो यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इमॉर्टल होते हैं, यानी इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। कैसे होते हैं? इमॉर्टल होते हैं, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों? बिकॉज बाइनरी फ्यूजन के थ्रू इनका न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय नहीं होने यानी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस डेस्ट्रॉय सो इमोर्टल डेथ नॉट इन सो नेचुरल डेथ नो और अब्सेंट इन यूनिसेलुलर अमीबा यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ओके, बट वन क्वेश्चन, इन अमीबा एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन हाई टेम्परेचर, लो मॉइस्चर एंड नॉट अवेलेबल न्यूट्रिशन, देन अमीबा कवर्ड ए और सराउंडिंग बाय थ्री लेयर ऑफ सिस्ट एंड फॉर्म ए सिस्ट। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने चारों यानी अपने इसके सराउंडिंग कर लेता है, एक सीक्रेशन करता है। सीक्रेशन करने से यहाँ पर थ्री लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गई कंप्लीट बाइनरी फ्यूजन। अब सेकंड मेथड बात करते हैं अपन इसकी, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। अब इसमें अपन ने बात की थी पहले वाले में कि जो पेरेंट सेल्स हैं
वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू टू सेल में डिवाइड हो जाती है। बट यहाँ पर क्या है, मल्टीपल फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन होगा तो यहाँ पर टू सेल्स में डिवाइडेज नहीं होगा, मोर देन टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और मोर देन टू सेल्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, किस में, मल्टीपल। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि जो मल्टीपल फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में कंप्लीट होता है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि मल्टीपल फ्यूजन कब होगा, मल्टीपल फ्यूजन इन एडवर्स और अनफेवरेबल कंडीशन। एडवर्स और इनफेवरेबल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर हाई, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर लो, न्यूट्रिशन एंड वाटर लो, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एडवर्स कंडीशन। और ये एडवर्स एक कल अपने नोट्स में लिखा, स्पोरुलेशन और स्पोरोजेनेसिस ये मल्टीपल फ्यूजन का ही पार्ट है। किस में होता है ये, अमीबा में, ठीक है। इन एडवर्स कंडीशन में अमीबा की ये जो स्ट्रक्चर होती है, यानी अमीबा की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, चेंजेबल होती है, यानी ये स्टेबल नहीं है। तो एडवर्स कंडीशन में यहाँ पर एक सीक्रेशन होगा, इस सीक्रेशन से इन ड्यू टू सीक्रेशन यहाँ पर थ्री लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ये थ्री लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इन थ्री लेयर को क्या कहा जाएगा, सिस्ट कहते हैं। एडवर्स कंडीशन में यहाँ पर ये थ्री लेयर का फॉर्मेशन हो गया और इस थ्री लेयर को क्या कहा जाएगा, सिस्ट कहेंगे। और अब इस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, यानी माइटोसिस डिवीजन होगा, वन सेल, वन से टू, टू से फोर, फोर से एट, यानी यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल फ्यूजन हो गया इसके इनसाइड में। कब, एडवर्स कंडीशन, यानी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होगी, फेवरेबल कंडीशन मीन्स लो टेम्परेचर, हाई मोस्ट, न्यूट्रिशन एंड वाटर, ये हाई होंगे तो ये क्या हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन। और इन दिस फेवरेबल कंडीशन सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसकी सिस्ट है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन क्यों होगी, बिकॉज सिस्ट एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेलिंग, एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेलिंग, देन वॉल ऑफ सिस्ट ब्रस्ट और ब्रेक डाउन। और जैसे वाल ब्रिस्ट होगी तो जितनी भी यहाँ पर न्यूक्लियस बने, वो न्यूक्लियस किसका फॉर्मेशन कर लेगी, मोर स्यूडो स्पोर्स का फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर अमीबी का फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, मोर अमीबी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस मेथड को क्या कहा जाएगा, स्पोरुलेशन या स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि इन एडवर्स कंडीशन में ही मल्टीपल फ्यूजन होता है। एडवर्स कंडीशन यानी टेम्परेचर, मोस्ट और न्यूट्रिशन इसमें अवेलेबल न हो तो, और स्पोरुलेशन या स्पोरोजेनेसिस यही मेथड है। तो आपको कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर मल्टीपल फ्यूजन नहीं दिया होगा तो स्पोरुपोलेशन या स्पोरोजेनेसिस दे सकते हैं, और स्पोरोजेनेसिस या स्पोरुलेशन नहीं है तो मल्टीपल फ्यूजन है, तो ये क्या है, सेम ही है। और कब होता है, एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन में ओनली क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। ये तो होगी किसकी, फ्यूजन के टू टाइप। सेकेंड मेथड आता है बडिंग, सेकेंड मेथड क्या आएगी, बडिंग है इसकी। फर्स्ट फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के टू टाइप हो गए, नेक्स्ट आती है बडिंग।
इन बडिंग मोस्ट फिजन में क्या पढ़ा था, फिजन में कि पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू टू और मोर देन टू इक्वल सेल में डिवाइड होती है, इक्वल सेल में डिवाइड होती है, बट बडिंग में ऐसा नहीं होता है। बडिंग में इक्वल सेल में डिवाइड नहीं होगी, बडिंग में जो माइटोसिस डिवीजन होगा ये माइटोसिस डिवीजन कैसा होगा, अनइक्वल होता है, अनइक्वल होगा, और अनइक्वल होने से क्या बन जाएगी, आउट ग्रोथ बन जाएगी। यानी सपोज कीजिए ये सेल है, अगर इसमें इक्वल डिवीजन होगा तो यहाँ पर टू इक्वल सेल का फॉर्मेशन हुआ, और अनइक्वल डिवीजन होगा, ये अनइक्वल डिवीजन है तो वन लार्ज सेल वन स्मॉल सेल एंड और मे बी आउटग्रोथ, यानी आउटसाइड में भी इसमें ग्रोथ हो, मे बी हो सकती है, तो यहाँ पर ये आउटग्रोथ बनती है, और ये जो आउटग्रोथ बनती है इस आउटग्रोथ को क्या कह सकते हैं, बड कहेंगे। ये बड जो आउटग्रोथ में ये बड बनती है इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ये बड तो क्या रहेगी, जो पेरेंट सेल्स है उसके अपर साइड में अटैच रहती है, बट जैसे ही ये क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने के बाद में इसे क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और न्यू एज ए न्यू ऑफ स्प्रिंग न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो इसको अपन बात करते हैं कि ये होता किन कौन कौन से एनिमल में है, ये होगा यीस्ट, जो कि अपन ने बात की थी अभी कि ये यूनिसेलुलर फंजाई है, इसमें होता है, इम्पोर्टेंट है, और हाइड्रा में इस मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो इसको अपन डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि यीस्ट है, पेरेंट सेल्स, पेरेंट सेल्स का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एंड पेरेंट सेल्स क्या करेंगी, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने से यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा वो अनइक्वल सेल डिवीजन, तो ड्यू टू अनइक्वल सेल डिवीजन आउटग्रोथ का फॉर्मेशन, ये आउटग्रोथ क्या कहलाएगी, इसकी बड कहलाएगी, और इसका न्यूक्लियस भी क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। इनिशियल स्टेज में ये आप देख रहे हैं कि बड इसे अटैच है, और जैसे ही ये इससे क्या हो जाएगी, मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद में ये क्या हो जाएगी, बड है इसे सेपरेट हो जाएगी, और एज ए न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पर डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, ये इसे सेपरेट हो गई। तो इसका ये मेथड जो कि इसमें हो गई यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। सेकंड आप एग्जांपल देख रहे हैं इसका, हाइड्रा का, ये हाइड्रा का माउथ है, ये इसकी बॉडी, ये इसका बेसल पार्ट है, इस पार्ट पर इसमें देखिए आप ये अनइक्वल सेल डिवीजन से कि इसका फॉर्मेशन हो गया, आउटग्रोथ बन गई, ये आउटग्रोथ क्या कहलाती है, बड कहलाएगी, ये बड इनिशियल स्टेज में इसके साथ में अटैच रहेगी, और जैसे ही मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने जैसे ये इसमें डॉटर सेल है, ये क्या होगी, सेपरेट हुई है, तो इसी प्रकार से ये इसे सेपरेट हो जाएगी और न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टू मेथड हो गई इसमें, पहली मेथड हो फिजन, फिजन में टू टाइप हो गए, बाइनरी फिजन एंड मल्टी फिजन, फिजन मल्टीपल फिजन है वो एडवर्स कंडीशन में ही होती है। सेकंड अपन ने पढ़ी बडिंग, बडिंग किस में होती है, सेल के अनइक्वल डिवीजन से आउटग्रोथ बनती है, ये आउटग्रोथ इनिशियल स्टेज में पेरेंट सेल से अटैच रहती है, बट मैच्योर होने के बाद में ये एज ए न्यू ऑफ स्प्रिंग में न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। इसका एग्जांपल पढ़ लिया अपन ने कि इसका यीस्ट एंड हाइड्रा। नेक्स्ट अपन क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, कोनिडिया एंड स्पोरोजेनेसिस एंड जेन्यूल्स के थ्रू। ओके।